गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। और संडे की गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो आपके लिए स्पेशल रेसिपी खीर, राइस खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, तो ब्लॉग में मिलते हैं। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू ब्लॉग्स मिलते रहें। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं। हमारे बिहारी जी हैं और ये हमारी राधा रानी जी हैं। कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। मैंने इनको अभी नहला धुला करके सजा करके पूजा अर्चना की है, भोग लगाया है। तो भोग हमने मिश्री और मेवे का लगाया है। और ये हमारी छोटी सी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी हैं, तो जो कि पालने में हैं और इनको हम पालना झुला देते हैं। तो आप ही दर्शन कर लीजिए और इनसे आशीर्वाद ले लीजिए। अब भोग लगायो फल मेवा तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग हो गई है सभी को, प्यारी प्यारी मॉर्निंग। और संडे का टाइम है तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं पूजा अर्चना कर चुकी, नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बाल गोपाल की सेवा भी कर दी है, भगवान की भी सेवा अर्चना पूजा अर्चना कर दी है। आप भोग, तो संडे का डे है तो भगवान के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैं आज भोग में बना रही हूँ उनके लिए खीर। तो बाल गोपाल और बाके बिहारी दोनों हैं हमारे घर, तो हम उनके लिए बनाने जा रहे हैं चावल की खीर, तो मैं उसका भोग लगाऊंगी। तो अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पहले मॉर्निंग में मिल लेती हूँ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ काम। तो मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। तो चावल मैंने धुल करके थोड़ा आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। मैं इतनी चावल की खीर बनाऊँगी, और खीर मैं बनाऊँगी दूध से नहीं, मिल्क मेड से बनाऊँगी यूज़ करके, मैं मिल्क मेड से ही बनाऊँगी। तो और बेटी को दूध चाहिए तो मैंने दूध गर्म कर लिया, तो मैं इसकी फीडर बना देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी खीर। तो उससे पहले मैं इन लोगों को दे देती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये लाए हैं ब्रेकफास्ट में टाइम लग रहा था, तो ये कह रहे थे आज बहुत टाइम से खस्ता नहीं लाए हैं, तो ये लाए हैं खस्ता कचौड़ियाँ। तो चलिए इनको मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। आ जाइए आप लोग भी, तो आप लोग भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट। तो फटाफट से मैं इसको प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो आ जाइए सभी लोग, खस्ता कचौड़ी का आनंद लेते हैं, फिर बनाते हैं खीर। और इधर मैं खीर बना रही हूँ, ये लोग इन लोगों को दे देते हैं तो ये लोग खाएंगे, और मैं खीर बना करके भोग लगाने के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि झूठे मुंह से भोग तो नहीं लगता ना बनता है। तो मैंने किचन को साफ कर लिया है और मैं खीर चढ़ा देती हूँ, तो फटाफट से मैं खीर बनाकर मिलती हूँ। तो मैंने राइस चढ़ा दिया है, तो राइस हो जाएगा देन मैं इसमें खीर बनाऊँगी। और चलिए फटाफट से मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। पूर्ति को मैंने फीडर दे दिया है बना करके। तो आ जाइए फ्रेंड्स, प्लेटिंग हो गई है। ये हैं छोले, और ये हैं आलू मसाले वाले, और ये है खस्ता। तो फटाफट से आ जाइए आप लोग भी, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो चलिए सबको दे करके तब मिलते हैं आपको हम। तो ये देखिए, ये है मिल्क मेड अमूल का, तो मैं इसी से खीर बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इससे खाऊँगी इसी अमूल मिल्क मेड से खीर, इसे खीर सिवई सब बहुत अच्छा बनता है, और इससे आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनती है। आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है। दूध तो फिर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन ये मिल्क मेड ऐसा है कि आप रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। और ये देखिए हमारे चावलों में भी सीटी पे सीटी आ रही हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से चावल गल जाते हैं, और दूध और पानी मिला करके मैं चावल बनाती हूँ, तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मिल्क मेड हम इसमें मिलाएंगे, चावल को दूसरे बर्तन में मैंने पलट लिया है। तो इसमें चीनी मिली हुई है, तो इसमें चीनी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिल्क मेड मिलाना है। तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से बनाइए, और उसी हिसाब से इसको ऐड करिए। इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये खीर हमारी तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल, और दूध की भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम ये मखाने, तो मखाने गरम खीर में डालेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसमें मैं मेवे में डाल दूंगी, ये पकी हुई मेवा है जो मैंने उसमें डाल जन्माष्टमी बनाई थी, बहुत सारी बना दी थी, तो ये फ्रिज में रखी है मैंने फ्रिज में, तो ये ख़राब नहीं हुई है। तो मैं इसी से भोग लगा रही हूँ आजकल, और मैं इसी में खीर में भी इसी को ऐड कर देती हूँ।
तो ये देखिए यम्मी सी खीर हमारी तैयार है। तो चलिए भगवान का भोग लगा देते हैं तुलसी दल रख के। तो चलिए भगवान जी का लगा देते हैं भोग, क्योंकि मैंने ये खीर भगवान जी के लिए ही बनाई है मैं। और इसमें डाल देंगे हम तुलसी दल। तो ये लीजिए भगवान जी, भोग लगाइए भोग लगाइए भोग लगाइए, रुचि भोग लगाओ। फल मेवा तुम पूर्व परमात्मा तो अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भोग लगाओ भोग लगाओ, रुचि भोग लगायो। फल मेवा तुम पूर्ण परमात्मा तो अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ, रुचि भोग लगायो। फल मेवा तुम पूर्ण परमात्मा तो अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके। तो यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया है प्रभु जी का, पाल गोपाल का, और तुलसी दल भी मैंने रख दिया है क्योंकि प्रिय है तुलसी दल प्रभु को। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, जो हो पाए वो कर दीजिए। बताओ क्या तुम अब भोग बने की बात नहीं। अरे कौन डॉक्टर नहीं आ तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अच्छे से न्यू से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू ब्लॉग्स मिलते रहें। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।